हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो आज है जी दूसरी ईद और हम जा रहे हैं आज नाइट के लिए ढक्सन। ये है हमारा टेंट और एक गैस। बस अभी सामान पैक करना है और निकलना है, तो चलिए जी पैक करते हैं और निकलते हैं। तो गाइस पैकिंग, सो फाइनली गाइस अब हम निकल चुके हैं घर से, अब देखते हैं आगे क्या होगा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे पे। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं गाइस शाम भी हो गई, अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। गाइस हम कल रात को बहुत लेट पहुंच गए थे, इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए। अभी आप सुबह का नज़ारा चेक कर सकते हैं। ये है जी हमारा टेंट, बिल्कुल सड़क के पास में ही देख सकते हैं आप। गाइस अब सीन चेक करो, सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत है। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, अब हम पहले चाय पियेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं सीधा सिंथन। चले चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं सिंथन टॉप की ओर। अब हम पहले चाय पियेंगे। सो फाइनली गाइस हम बांध रहे हैं अपना सामान और निकलते हैं यहाँ से सीधे सिंथन टॉप की ओर। बदकिस्मती के साथ हमारे से लोचा ही लोचा हो रहा है, हम फिर से जाम में फंस गए, क्या मुसीबत है। तो चले जी यहाँ से निकलते हैं सिंथन टॉप के लिए। गाइस एक दुख की बात है, सिंथन टॉप का रोड आज बंद है, डक्सुन के आगे नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डक्सुन में ही एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं हम कहाँ पहुँच गए, चीता। अब थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ से निकलते सीधे मारगन टॉप की ओर। आज नाइट वहीं पे हम ऊपर चढ़े थे, लेकिन वहाँ पे कुछ खास हमें दिखा नहीं, तो हम अब वापस ही जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं और चलते हैं सीधे मारगन टॉप की तरफ। तो चलिए जी यहाँ से निकलते हैं सीधे मारगन टॉप की ओर, आपसे वहीं पे मिलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस ये मेरे साथ बच्चा पार्टी है। हम पहुंच गए गाइस रोड पे, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से सीधे मारगन टॉप की ओर। सो गाइस हम निकल चुके हैं ढक्सुन से। गाइस अब 2-3 घंटे लगेंगे मारगन टॉप तक, आप तब तक व्लॉग को एंजॉय कीजिए। गाइस आप
चेक कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी थोड़ी बर्फ नजर आने शुरू हो गई है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए मार्कन टॉप पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ है यहाँ पे, बर्फ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आज यहाँ पे सही टाइम नहीं है आने का, ना आप जून जुलाई में आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आज बहुत सर्दी भी है ज्यादा। अब हम वापस निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा है और रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बर्फ है, तो चलो चलते हैं वापस। तो चले जी निकलते हैं वापस। हम अब फाइनली जा रहे हैं, ये देख सकते हैं बर्फ, और वहां पर देख सकते हैं आप गाइस। अब हम आपसे निकल चुके हैं बहुत देर के बाद, एक घंटा जाम में फंसे हुए थे, और ये रहा हमारा ड्राइवर साहब। बहुत मुश्किल से निकल गए यहाँ से, बहुत ज्यादा मुश्किल से। ये आप रोड देख सकते हैं और ये बर्फ देख सकते हैं, ताजा बर्फ शुरू हो गया यहाँ दोबारा। कितना टाइम लगेगा हमें वहां तक पहुँचने में? अगर जाम नहीं होगा तो फिर दो ढाई घंटे तक पहुंच जाएंगे, अगर जाम हो गया ना फिर से। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हमें कैंप करना है ना आज, हाँ। वहाँ तक हमें कितना टाइम लगेगा? ढाई घंटे। Let us see, hope हमारे लिए दुआ कीजिए, हम सेफ्टी के साथ वहाँ पहुंचे। बिल्कुल, सब लोग दुआ करें। मिलते हैं आगे, हम अभी तक बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, मिलते हैं आगे, मुश्किल से निकले हमें। तब तक के लिए स्टे सेफ, जब यहाँ पे जून जुलाई में आएंगे ना वहाँ पे, उस वक्त तो मतलब अलग ही मजा होगा, नेक्स्ट लेवल। मुझे बर्फ ज्यादा पसंद नहीं है, ग्रेवी जब होती है ना वो मुझे ज्यादा पसंद होता है। उस वक्त हम यहाँ पे कैंप भी कर सकते हैं, आज तो यहाँ पर आज मुमकिन नहीं है, लेकिन उस वक्त बता रहे हैं यहाँ पर लेक है, यहाँ मुमकिन है, जो कि बर्फ से दिख नहीं रहा है। इतनी बर्फ लेक तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा वो पानी का ना अच्छा आज है, छोटा सा पॉन्ड हो सकता है, खत्म हुए पॉन्ड हो सकता है छोटा सा, लेक तो नहीं कह सकते। जून जुलाई में अच्छा मजा आएगा, आएंगे इंशाल्लाह, एक दो नाइट के लिए आएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। बदकिस्मती के साथ हमारे से लोचा ही लोचा हो रहा है, हम फिर से जाम में फंस गए, क्या मुसीबत है। इलेक्शन ड्यूटी, इसीलिए अब हम एक घंटे के बाद निकल पड़े हैं, और अब देखते हैं सामने क्या होगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। ये देख सकते हैं गाइस हम कहां पे थे, ओ भाई साहब, अब यहां पे रुक गए हम। हमने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेंगे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। चाय पी लो गाइस। हाँ भाई, कैसा मजा आया आपको आज? बहुत अच्छा, इट वाज सुपर फन। अच्छा, थैंक यू। तो गाइस टी ब्रेक चल रही थी, तो अब हम जा रहे हैं अपनी घर की ओर, घर की ओर नहीं मतलब कोकरना की ओर, नहीं कोकरना में आज रुकेंगे, आज नेट वे पे स्टे करेंगे, कोकरना में हम रुकेंगे ऊपर ही, कहाँ पे आगे देखेंगे, आगे नहीं रुकेंगे पीछे, आगे एक बढ़िया जगह वाटरफॉल भी नीचे है, वाटरफॉल पे उधर भी देखते हैं, अगर अच्छा लगा वहाँ पे तो वहीं पे रुकेंगे, अच्छा नहीं लगा तो पकड़ लग में सीज दुच। अब ये वाला स्पॉट हमने चूज कर लिया कैंपिंग के लिए, ये लेक इसके सामने के टेंट लगा देंगे। सो गाइस हम पहुंच गए कुछ ऐसी लोकेशन पे, अब यहीं पे नाइट स्टे करेंगे, फिर निकलते हैं कल।
पकड़ना की ओर। ये देख सकते हैं आप कैसी लोकेशन है यहाँ पे, एकदम मस्त लोकेशन है। चलो गाइस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।